आज रात 12 बजे से आज रात आप कहीं भी जाइए, आम आदमी तो परेशान हुआ पड़ा है। मोदी सरकार ने स्वर्ग बना दिया, आंकड़ा आ रहा 6 का, इसमें 200 लाशें लग जल रही है, दोनों हाथ पैर कट गए, ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है ना हॉस्पिटल में बेड है। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीनी गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। दाम तो बहुत बढ़ा हुआ है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, तेल हो, गैस हो, यहाँ तक कि आटा चावल सब कुछ का दाम हमको महंगा ही पड़ता है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। ध्यान से सुनिए, आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? कभी भी ऐसे गंगा जल लेके मैं कसम खाऊंगा, भाजपा कोट नहीं दूंगा। खाने के लिए मुहताज होना पड़ा तो हम लोग कोट क्यों दे? वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। यहां भूख है, लाचारी है, नौकरी के लिए मारामारी है, यहां अस्थिरता है, यहां नफरत है। अच्छे दिन आ रहे हैं अयोध्या। यहां अमीर और गरीब के बीच बड़ी दूरी है, गहरी खाई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। फिर सवेरा हुआ, उम्मीद की एक किरण जगमगाई, रोशनी के सफर की शुरुआत हुई, देश की एकता के लिए उठे कदम और शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है, हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये जो हमारी यात्रा है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं, ये बोलने की यात्रा नहीं है, ये सुनने की यात्रा है। आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। कि कमजोर लोग को मारना चाहिए, कहां लिखा मुझे बताओ? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है राहुल जी, बीजेपी की सरकार में हम तो सड़क पर, शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते, तो डर फैला दिया है। डरो मत, हिंदुस्तान के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। 3-4 साल हो गया लेकिन जो सरकारी नौकरियां है वो अभी नहीं निकल रही है समय से। कहना चाहता हूँ अभी बदलाव जरूरी है, बेरोजगार जो छात्र है उनको नौकरी मिले। जिन्हें पता नहीं है मोदी ने सबको बहका रखा है, उल्टा सीधा षड्यंत्र रच के लोगों की आंख खोल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जो है, सोच भी ठीक हुई है। सोच कैसी हुई? सोच यहाँ कट्टरवादी सोच थी लोगों की, जो अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है। राहुल गांधी के प्यार में, राहुल जी से स्वागत करने के लिए आए थे उनका, और जो देश में नफरत चल रही है उसको दूर करने के लिए राहुल जी के हम साथ हैं। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ की जगह हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सरकार क्या करती है, कोई भी स्कीम लाने से पहले केवल वाहवाह ही तो लूट लेती है पर धरातल पे नहीं उतारती कोई। इतने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करना है। यात्रा में क्यों आए आप? भाजी मेरा विवेक मुझे खींच के लिए आया। तो इससे क्या जुड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से? कितना जुड़ रहा है और क्या जोड़ोगे? तो एक विकल्प के तौर पर देश का युवा भी, किसान वर्ग भी, सभी जात बिरादरी इसको देख रहे,
राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत धर्म क्षेत्र भाषा और समुदाय की विभिन्नता से सजा एक देश है। इस यात्रा ने हर गांव, हर तबके से उमड़ते लोगों का एक विशाल आंदोलन शुरू किया। अब यह यात्रा देश की है। हाँ, ये यात्रा उनके लिए खतरा है जो तोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास एक होने में है, हाथ से हाथ जोड़ने में है।